ये तो आप सब जान ही चुके हैं कि जीजीमा फाल्गुनी अब बिजनेस टाइकून बन गई हैं और उनकी जो सास थी मतलब कि है वो थोड़ी सी पगला सी गई है, लेकिन उसका ख्याल उसकी बहू यानी कि जीजीमा खुद रख रही है। लेकिन आज ये पगलाई हुई सास बहुत खुश हो रही है, मिट्टी बांटकर लोगों को कह रही है कि मीठा मुंह कीजिए, मुंह मीठा कीजिए, और थाली बजाकर अपनी खुशी जता रही है। आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ, देख लीजिए। जीजीमा की उत्तरा देवी आज थाली बजाकर अपनी खुशी जता रही हैं और उनकी खुशी के कारण मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि उन्हें तो मुफ्त का मनोरंजन मिल गया है। मगर वो क्या जाने कि उत्तरा देवी ऐसा क्यों कर रही हैं। न्यूज़ देखा मैंने कि सुयश रावत को बलात्कार के इल्जाम में पुलिस अरेस्ट करने वाली है, सो मैं खुश हो गई कि ये कोई इंसान है जिसके लिए मुझे, जिसका बुरा हो तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं बाहर आ जाती हूँ, मिट्टी लेती हूँ, लोगों को मिट्टी बांटती हूँ कि ये लो मुंह मीठा करो। सो इट्स बेसिकली शी इज़ गॉन क्रेजी। उत्तरा देवी बहुत खुश हैं क्योंकि वो नफरत करती हैं सुयश से, और सिर्फ सुयश ही उनकी याददाश्त में और कोई नहीं, और उनको ये है कि इसे बदला लेना है मुझे बस। तो इसलिए वो बहुत खुश हैं अपने ही मेंटल स्टेट में कि ये बच्ची बन चुकी है, और थोड़ा सा ऐसे ही वो बोलती है, सबको बांट रही है, सबको कह रही है कि मिठाई खा लो, मिठाई खा लो। उत्तरा देवी की खुशी का कारण है सुयश, जिस पर बलात्कार का आरोप लगा है। अब ये तो आपने जान लिया कि उत्तरा देवी की खुशी का कारण सुयश की गिरफ्तारी है, और उन्हें खुशी इस बात की भी है कि उन्हें उनकी प्यारी संस्कारी भारतीय बहू संभाल रही है। 7 साल रस्ते पे रही हूँ, पागल हो गई हूँ, और कहीं पे फाल्गुनी के सामने आ जाती हूँ, और फाल्गुनी एज यूजुअल दया की मूर्ति, हिंदी सीरियल की हीरोइन, मुझे घर लेके आती है। फाल्गुनी उत्तरा देवी को भी संभाल रही है, मगर साथ में सुयश को भी। जी हाँ, वो उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश करेगी। भले ही लीप के बाद दोनों अलग हो गए हैं, मगर इस भारतीय सीरियल की बहू को अभी भी अपने पति के लिए कुछ कुछ है, तो वो जरूर सुयश की मदद करेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।